बाथरूम बंद करवाओ। मिडिल स्कूल है और इसमें 120 बच्चे के करीब बच्चे हैं और इन बच्चों के लिए गवर्नमेंट जो फंड्स मुहैया करवाती है वो फंड्स यहाँ या तो बदकिस्मती से पहुँचते ही नहीं है और अगर पहुँचते हैं तो वो बच्चों पर इस्तेमाल नहीं किए जाते हैं। वो मिडिल मील का मसला हो, वह हमारी बुक्स का मसला हो, वह हमारे बच्चों के चेयर का मसला हो, वो यहाँ के रूम्स का मसला हो, वो यहाँ की क्लासों का मसला हो, टीचरों का मसला हो, किसी किस्म की भी सहूलियात जो है वो मैसर नहीं हो पाती है। जब हम यहाँ पर टीचरों के पास आते हैं कि हमने ये बात मालूम की, हमारे जवान आए, पेरेंट्स ने आकर ये बात की कि यहाँ पर खिचड़ी मिल रही है, तो हमारे ये इंचार्ज साहब हैं जो हेडमास्टर हैं यहाँ के इंचार्ज पर, उन्होंने बोला कि आपके पास सबूत क्या है। उसके बाद हम चंद दिनों के बाद फिर आए कि हमारे स्पोर्ट्स का जो सामान यहाँ से गुम हो चुका है, बच्चों को खेलने के लिए नहीं मिल रहा है। हमने ये बात मालूम की तो इंचार्ज साहब हम पर भड़के और हम यहाँ पर आकर जब पहले पहुँचे यहाँ पर तो यहाँ पर हेडमास्टर साहब गायब थे। दो टीचर थे वो अंदर मौजूद थे ऑफिस के अंदर और एक लड़की है जो हेल्पर के तौर पर यहाँ है, वो टीचर के चेयर पर बैठकर टेबल पर बैठकर वो बच्चों को तालीम दे रही है और थर्ड क्लास तक के बच्चे उसके सामने मौजूद थे। हमने वो वीडियो बुलाई और उसकी वजह से यहाँ के इंचार्ज ने हमारे ऊपर क्लेम की और हमारे ऊपर सरासर फ्रॉड और फ्रेब लगाकर हमने फंसाने की कोशिश की है। आज बच्चे नहीं आए हैं, वो इसलिए नहीं आए हैं कि यहाँ पर जब भी आते हैं इल्ज़ाम लग जाता है और लोग डरते हैं कि अगर हम वहाँ जाएंगे हमें फंसा दिया जाएगा। लोगों के अंदर यह गुस्सा है कि हम यहाँ पर अब बच्चों को नहीं भेजेंगे, इंतज़ामिया हमारे बच्चों को सर्टिफिकेट दे दे और हम दूसरे स्कूल के अंदर बच्चों को डालें। हमारे पास मिड डे मील एज़ पर मीनू बन रहा है, जब आप जाएँ तो मीनू हमारा बाहर लगा हुआ है, मीनू का शार्ट लेके जाएँ। एज़ पर मीनू जो हमारे पास है हम वो चला रहे हैं। हमारे पास बिल्डिंग की थोड़ी प्रॉब्लम है, स्टाफ की प्रॉब्लम है। स्टाफ हम तीन स्टाफ मेम्बर हैं, 122 बच्चे हैं। इसके बावजूद हमें वो जो यहाँ पे हेल्पर लगी है आया तो हम नर्सरी वालों बच्चों के लिए उनसे थोड़ी हेल्प लेते हैं, हाथ पकड़ा के उनको वो थोड़ा बहुत करती है, उस वो हम उससे थोड़ी हेल्प लेते हैं। मज़ीद जो यहाँ ऊपर दो कमरों का काम चल रहा है, जब तक दोनों कमरे कंप्लीट नहीं होंगे, तैयार नहीं होंगे, तब तक हैंड ओवर हमें नहीं होंगे। सैटरडे का दिन था, उस दिन 5-7 लड़के यहाँ पर आए, उन्होंने एक वीडियो यहाँ पर बनाई किचन की, मेरा भी उसमें खुफिया उन्होंने बनाए, वीडियो बनाई। उसके बाद यहाँ पे जो अंदर लड़की थी आया उसकी भी वीडियो बनाई। वो लड़की घर गई, उसने कोई शायद रोया धोया तो उसकी माँ मरी हुई है, बहरहाल बाप है, बाप के उन्हें शायद कोई एप्लीकेशन थाने में दी है। ये सरासर एक इल्ज़ाम है। ये आया जो है ये यहाँ पे 29 फार्म लगे थे, हमारा काम हमें दिया गया था कि आपने उन फॉर्म जो है सबमिट करने हैं। हमने 29 फार्म सबमिट करके जोनल एजुकेशन ऑफिसर साहब मंडी, उस वक्त बहरहाल बशीर साहब थे, उनको सबमिट किए गए। वहाँ से उन्होंने बाद में पैनल बनाया, पैनल बना के उसके बाद अपॉइंट किया गया। मैं इसका या और कोई इसका कॉम्पिटेंट अथॉरिटी नहीं है, ये ZDO मंडी साहब है, चीफ साहब हैं, वो इनके हैं, बड़े ऑफिसर जो हैं वो इसके कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होती हैं, मैं कोई इसका कॉम्पिटेंट अथॉरिटी नहीं हूँ। किसी को प्लेग्राउंड हमारे पास नहीं है, इसके बावजूद हमारे पास जो स्पोर्ट्स का सामान मिला है वो स्पोर्ट्स का सामान हमारे पास मौजूद है। बच्चों को हम अंदर कमरे में खिला रहे हैं, बच्चियाँ जो है वो बैडमिंटन जो है बाहर, ये छोटा सा ग्राउंड है, हम इसी में खिलाते हैं उनको। एक टीचर साथ में रहता है ताकि यहाँ कोई बच्चा गिरे ना, क्योंकि पहाड़ी जगह है, यहाँ पे हमारे पास प्लेग्राउंड नहीं है। कल हमारे पास मेरे ख्याल में 78 बच्चे प्रेजेंट थे, आज 54 बच्चे प्रेजेंट हैं आउट ऑफ 120, जिसमें कुछ सीजनल स्कूल्स के बच्चे भी हैं 20। ये एक वो सियासी खिचड़ी बन चुकी है, ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे एक वो घरेलू इशू है। मेरी पेरेंट्स से मुअद्दबाना गुजारिश रहेगी कि आप बच्चों को स्कूल भेजें, यहाँ पे ऐसा कोई इशू नहीं होगा। जो मसला कोई थाने में है वो यहाँ के मौज़ीन जो है वो बैठ के उसको सॉर्ट आउट करें।